दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आस्क हैप्पी एपिसोड के बारे में। आस्क हैप्पी एपिसोड एक ऐसा एपिसोड है जहां पे हम आपके सवालों के जवाब देते हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टन टन टन। शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ले लेते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है इंजमुल इस्लाम का, और वो बोलते हैं कि ब्रो सैमसंग NU7090 टीवी लेना ठीक होगा क्या? सो इंजमुल भाई, मेरे हिसाब से देखो सैमसंग में बहुत सारे मॉडल हैं, उसके अलग अलग सीरीज़ भी है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको सैमसंग की RU जो सीरीज़ है वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई, मैंने पर्सनली वो टीवी देखी है, मैंने यूज़ किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप टीवी लेने का प्लान कर रहे हो तो एक बार RU सीरीज़ को भी ज़रूर कंसिडर कीजिए, अगर आप स्पेसिफिक टू सैमसंग की टीवी लेना पसंद करेंगे। और जहाँ तक बात है सैमसंग की NU9 7090 की, तो वो भी अच्छी टीवी है, लेकिन अगर आप उससे कंपेयर करोगे RU सीरीज से तो RU 100% बेटर सीरीज है। और अगर आप प्लान कर रहे हो सैमसंग की NU7090 लेने के लिए, तो एक बार जस्ट RU7470 से कंपेयर कीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। और मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा सैमसंग की RU7470 लीजिए, इससे बेटर है, काफी कुछ अच्छे फीचर्स है और पिक्चर क्वालिटी में भी काफी फर्क आपको देखने मिलेगा इसी टीवी में। अब ले लेते हैं हमारा अगला सवाल। तो अगला सवाल है यहाँ पे तुषार भारसाकले का, और वो बोलते हैं कि हाउ इज सोनी LED टीवी X7002G 49 इंच, प्लीज रिप्लाई मी। तो तुषार भाई, मेरे हिसाब से X7002G जो सोनी की तरफ से मॉडल है काफ़ी अच्छा वेरिएंट है, काफ़ी अच्छे पिक्चर क्वालिटी आपको दिखने मिलेगी। और उसके हिसाब से जहाँ पे सोनी उसका जो प्रोप्राइटरी क्या बोलते हैं इसका टेक्नोलॉजी है पिक्चर क्वालिटी को लेकर, जहाँ पे वो ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले यूज़ करता है, तो वहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के मामले में इस टीवी को बीट करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि सैमसंग ले लो, LG ले लो, पैनासोनिक ले लो, जितने भी इसके कॉम्पिटिटर आते हैं उसमें आपको हमेशा सोनी की टीवी बेस्ट पिक्चर क्वालिटी देगी। इसी के साथ ही साथ ऑडियो क्वालिटी जो होती है ये भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है, क्योंकि सोनी पिक्चर टीवी के साथ ही साथ ऑडियो के डिवाइसेस के लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। डेफिनेटली आप इस टीवी को कंसिडर कीजिए, और अगर आप प्लान कर रहे हो टीवी लेने का तो मैं आप कोशिश करूँगा कि इसकी जो बाइंग लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। इसी से जुड़ा सवाल एक और आपने पूछा तुषार भाई, यहाँ पे आप बोल रहे कि सोनी LED टीवी X7002G 49 में कौन सा पैनल है, VA है या IPS है? तुषार भाई, यहाँ पे सोनी ने आज तक कभी डिस्क्लोज नहीं किया उसके पैनल के बारे में कि IPS है या VA है, तो मैं भी उसके बारे में जवाब नहीं दे सकता कि उसमें कौन सा पैनल है। यहाँ तक मैंने सोनी के बोलते ना कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव से भी ट्राई किया है जानने के लिए कौन सा पैनल है, लेकिन यहाँ पे उनको भी डिस्क्लोज नहीं किया इस चीज़ के बारे में। और बात कर रहे हैं यहाँ पे पैनल के बारे में, तो यहाँ पे मुझे इतना ही पता है कि यहाँ पे वो ट्राई ल्यूमिनस डिस्प्ले यूज करते हैं पिक्चर क्वालिटी को इनहांस करने के लिए, एकदम अच्छे अच्छे कलर रिप्रोड्यूस होते हैं इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू। ले लेते हैं हमारे अगले सवाल को। तो अगला सवाल पूछा है हर्ष पटेल ने, और वो बोल रहे हैं कि कितने का आता है डोंगल। तो ये कमेंट आया है मेरे एक TCL का जो मैंने वीडियो बनाया था TCL की टीवी के बारे में, तो वहां पे फार फील्ड टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने डिस्कस किया था जो TCL की तरफ से प्रोवाइड होता है। उस टेक्नोलॉजी के थ्रू होता क्या है कि यहाँ पे आप बोलते हैं ना आप स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हो इसी फार फील्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो यहाँ पे TCL ने क्लियरली मेंशन किया था कि आपको अलग से आप ये एक डिवाइस लेना पड़ेगा, तो उसका ही प्राइस ये पूछ रहे हैं। तो उसका प्राइस मेरे हिसाब से, मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता, लेकिन मैं कहना चाहूंगा उसका प्राइस 5,000 से 10,000 के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा, और आप इजीली परचेस कर सकते हो। फिलहाल अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप बाद में परचेस कर सकते हो। अब ले लेते हैं हमारे अगले सवाल को। तो अगला सवाल है यहाँ पे सौरभ रॉय का, और उसको रिप्लाई भी किया है पीयूष महाजन ने, मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग कमेंट है। तो वो बोल रहे कि हेलो ब्रो, जस्ट बॉट 1.5 टन वर्जन, वुड यू लाइक टू नो हाउ डू यू कंट्रोल सो कूल द रूम आफ्टर लॉन्ग हॉट डे। तो पीयूष महाजन भाई बोलते हैं कि सिंपली ऑन AC एंड एंजॉय इट। ऑब्वियसली मतलब अगर आपको रूम कूल करना है तो AC तो ऑन करना पड़ेगा। तो इसी का मैं जस्ट रिप्लाई करने के साथ साथ मैं सोच रहा था कि यहाँ पे सौरभ रॉय, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको अगर रूम कूल करना है तो यहाँ पे LG डुअल इन्वर्टर AC में आपको फीचर मिलता है हाई कूल का, या फिर बोल सकते हो हिमालयन कूल का, तो उसको लोग अलग अलग नाम से प्रोनाउंस करते हैं। तो वो उस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका जो रूम है काफ़ी कम टाइम में अच्छी कूलिंग और एकदम बोलते हैं ना अच्छे से कूल हो जाएगा। तो उस चीज़ का आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कीजिए, उस फीचर को यूज़ कीजिए, और आपको काफ़ी अच्छा कम टाइम में आपका रूम कूल हो जाएगा। ले लेते हैं हमारे अगले सवाल को। तो यहाँ पे मधुसूदन दी वो बोल रहे कि हाउ टू ओपन द फ्रंट कवर। सर पहली बात तो भाई सर वेर बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप
अगर रियली आप हमारे हैप्पी गेट फैमिली मेंबर हो, हमारे हैप्पी गेट फैमिली के सब्सक्राइबर हो, तो फिर सर वगैरह बोलने की जरूरत नहीं। सर बोलते मुझे अजीब लगता है, वेरी आई फील वेरी अनकंफर्टेबल और बहुत ही ऑड लगता है सुनने में, क्योंकि मैं उतना बड़ा तो नहीं कि भाई लोग मुझे सर कहें। आप मुझे छोटा भाई बड़ा भाई जैसा भी आप समझ सकते हो वो समझ लीजिए, लेकिन सर वगैरह कमेंट में मत बोलिए। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि हाउ टू ओपन फ्रंट कवर। तो यहाँ पे अगर एसी का फ्रंट कवर ओपन करना है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी अपने घर पे ट्राई मत कीजिए, अननेसेसरी डैमेज हो जाएगा। तो एलजी वाले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और आप ही आप होंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप खुद से ओपन मत कीजिए। और अभी फिलहाल मैंने रिसेंटली एलजी के कस्टमर सर्विस से बात की थी सर्विसिंग के लिए, तो उन्होंने मुझे ये फ़ोन पे मतलब व्हाट्सएप के थ्रू ये भी बात हुई और उन्होंने यहाँ पे बोला कि आपको मैं फ़ोन पे गाइड कर देता हूँ कि ये स्टेप कीजिए और आपका सर्विसिंग हो जाएगा। तो इस चीज़ में अगर आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा बोलना है कि भाई लॉकडाउन खत्म हो जाने दो, उसके बाद आप घर पे और खुद करो। फोन पे आप वो इंस्ट्रक्शन देगा और आप उसको सुन के काम करोगे वो मत कीजिए, ये मेरा रिकमेंडेशन होगा। अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाएगी, कुछ अगर टूट फूट जाएगा, तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप और आप ही होगे और कोई भी नहीं होने वाला। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और खुद से पटेली नहीं करनी है बस। इसी के साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में मुझे काफ़ी लोग ने पूछा था अलग अलग सवाल जो मुझे जस्ट मुझे रिकॉल हो रहे, तो मैंने उसको नोट डाउन भी किया है। तो यहाँ पे मेरे पास सवाल है रियलमी टीवी को लेकर, काफ़ी लोग ने पूछा कि कब आ रही है, कौन कौन से वेरिएंट में आएगी। तो यहाँ पे देखो उसके कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो एकदम कन्फर्म हो चुके हैं उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। तो यहाँ पे उसके वेरिएंट की जो जानकारी है 100% कन्फर्म हो चुकी है। तो वहाँ पे आपको दो वेरिएंट देखने मिलने वाले हैं, एक 43 इंच का और एक 55 इंच का, दो वेरिएंट आपको रियलमी टीवी में देखने मिलने वाले, ये 100% कन्फर्म न्यूज़ है। इसी के साथ ही साथ जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की है, क्योंकि उनके जो ये दो अलग अलग वेरिएंट है रियलमी के वो लिस्टेड हो गए हैं उनकी वेबसाइट पे अप्रूवल के लिए। तो मतलब ये चीज़ कंफर्म है कि उनके दो वेरिएंट आने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ एक चीज़ और कन्फर्म हुई है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले हैं रियलमी की टीवी में। तो यहाँ पे उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आपको रियलमी की टीवी देखने मिलने वाली है। और बात करेगी कब तक आएगी मार्केट में, तो मार्केट में देखो भाई आप हम सभी को पता है कि पूरा भारत इस समय लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन जैसे भी खुलता है 100% उसके नेक्स्ट वीक में आपको लॉन्च उसका देखने मिल जाएगा। और जैसे भी आएगा हम आपको हमारे चैनल पे उसकी डिटेल्स तो दे ही देते हैं। और इसलिए आपको एक ही चीज़ करनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे हैप्पी गेट फैमिली के मेंबर बन जाइए, एक भी रुपए नहीं देने, कंप्लीटली फ्री है, और बस सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, टन टन टन। और ये टीवी जो रियलमी की टीवी है उसको उन्होंने लाया है MI की टीवी को बीट करने के लिए, मतलब उससे कम प्राइस में होगी और अच्छी होगी हर मामले में, पिक्चर क्वालिटी के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में, कॉन्फ़िगरेशन के मामले में, हर मामले में उनको हर पैरामीटर के हिसाब से बीट करने के हिसाब से रियलमी लाने वाला है, ऐसा उनका कहना है माधव सेठ जी का जो उनके रियलमी के CEO है। इसी के साथ ही साथ काफ़ी लोग ने पूछा था कि 2020 के टीवी के नए नए मॉडल्स कौन कौन से आने वाले हैं या फिर कौन कौन से ब्रांड आने वाले हैं बजट कैटेगरी में और नॉन बजट में। तो यहाँ पे देखो भाई नॉन बजट में सोनी, सैमसंग, LG उनकी टीवी तो हमेशा आती रहती है हर साल। तो जहाँ पे बात करूँ मैं सोनी LG और सोनी की LG और सैमसंग की, तो वहाँ पे उनके जो वेरिएंट आपको आने वाले मई या फिर जून में देखने मिल जाएंगे। उनके जो भी मॉडल्स आते हैं वो हर साल जून में आ ही जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो उनकी जो नैनोसेल टेक्नोलॉजी एक एक करके एक एक मंथ के बाद आना शुरू हो जाती है, ये हर साल का उनका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। और जहाँ तक बात है बजट ब्रांड के बारे में, तो बजट ब्रांड में आपको नए नए ब्रांड देखने मिलेंगे इस साल 2020 में, जहाँ पे ओप्पो की टीवी आने वाली है। ओप्पो मतलब समझ लो, ओप्पो अभी तक फ़ोन ही अच्छे बनाता था, फोन के साथ ही साथ अब टीवी की कैटेगरी में भी वो आने वाला है और बाकी जो बजट ब्रांड है उसको धूम मचाने वाला है, सबके बजा देगा। तो हर एक ब्रांड चाहता है कि भाई अपनी टीवी मस्त मार्केट में चल जाए, एकदम सुपर डुपर हिट हो, उसके लिए अच्छी प्राइसिंग देगा, अच्छे फीचर्स देगा, कोशिश भी करता है कि पिक्चर क्वालिटी देने के लिए। तो देखते हैं कि वो तो वक्त ही बताइए कौन सी टीवी अच्छी चल रही है, कौन सा टीवी आपको लेना चाहिए। और जैसे भी टीवी आएगी हम आपको तो बताते ही रहते हैं। ओप्पो की टीवी के साथ ही साथ एक हाइसेंस एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, उसकी भी टीवी आपको मार्केट में देखने मिलेगी इसी साल 2020 में। इसी के साथ ही साथ रियलमी की टीवी तो आ ही रही है और MI की टीवी भी आएगी कब, अगस्त 2020 में। तो अगर आप टीवी लेने का प्लान करो और आप MI के फैन हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई रियलमी के साथ ही साथ MI भी पीछे नहीं हटेगा, उसकी भी टीवी आपको बहुत ही जल्दी मार्केट में देखने मिलने वाली है। तो बस समझ लो इस समय सब रुके हुए हैं किस लिए, क्योंकि लॉकडाउन है और जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ
आपको धनाधन लॉन्च की अपडेट आते जाएगी और मैं आपको वीडियोस बना के देते रहूंगा। और काफी लोग ने मुझे ईमेल भी किया था ये पूछने के लिए कि MI की जो 5 प्रो सीरीज है वो कब आने वाली है मार्केट में। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि भाई पूरे दुनिया में क्या महामारी चालू है, कितने लोग परेशान है, लॉकडाउन तो चल ही रहा है। तो अभी इस सिचुएशन में उनका बोलते ना प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ अभी ठप है, जैसे भी होगा वो आपको इंडियन मार्केट में देखने मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे सवाल ये उठता है क्या वो QLED टीवी होगी, क्योंकि वहाँ पे चाइना में उन्होंने जब लॉन्च किया था तो उस टाइम पे वो बोल रहे थे भाई कि QLED टीवी है, वो चाइना में लॉन्च हुई है। लेकिन इंडियन मार्केट के लिए कौन सा वर्जन होगा, आपको बोलते ना अल्ट्रा HD देखने मिल सकता है या फिर QLED, ये फिर वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए अगर आप सभी को अगर अपडेट देना पड़े तो अगस्त 2020 में आपको 5 प्रो देखने मिलेगा, उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चांसेस होंगे उसके आने के। पूरा माहौल सेट हो जाने दो, पूरा शांत हो जाने दो, उसके बाद डेफिनेटली आपको हर एक ब्रांड्स के टीवी देखने मिल जाएंगे। तो दोस्तों यही थे आपके सवाल, और सवालों का जवाब का जो सिलसिला है वहाँ पे खत्म करते हैं, और मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग बात करेंगे नए नए स्मार्ट टीवी के बारे में, नए नए फीचर्स के बारे में। इसी के साथ ही साथ मैंने कुछ अपने रिकमेंडेड टीवीज और जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके मैंने बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी डिलीवरी बंद है, लेकिन आप फिलहाल अगर आपको चाहिए कि आप मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट खरीदो तो फिलहाल के लिए आप उसको ऐड टू कार्ट कर दीजिए, और जब फ्यूचर में जैसे भी चालू होता है लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद आप वो परचेस कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ आप मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए ज़रूर, इसी के साथ ही साथ शेयर करना, सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, और आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि भाई यहाँ पे दो दो डिस्प्ले क्यों दिख रहा है, तो ये मेरा एक लैपटॉप है और एक मेरा ये ऑफिस का डेस्कटॉप है। फिलहाल लॉकडाउन में मैं यहाँ अपने घर से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ऑफिस का जो डेस्कटॉप है वो भी यहाँ पे लाके रखा हुआ है। तो